मशीन में जो फंक्शन है वो पूरे बताने जा रहा हूँ। तो ये हमारा डिस्प्ले है, तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि इसमें किस तरह के हम काज बना सकते हैं और स्पीड कहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं, काज की लेंथ विड्थ कैसे कर सकते हैं, वो सब मैं आपको बताता हूँ। देखो, ये हमारी काज की लेंथ और विड्थ मतलब लेंथ होती है, टोटल लेंथ यहाँ से हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसे हम नाइफ साइज भी बोलते हैं। इसके बाद इसको हम दबाएंगे तो यहाँ पे जो भी हम साइज डालेंगे वो आपकी लेंथ कम ज़्यादा हो जाएगी, इंटर करेंगे। इसके बाद ये हमारी टेंशन है कि हमें टेंशन को टाइट और लूज करना है, तो ये लेफ्ट की और राइट की और स्टार्टिंग की और एंड बैकटेक की सबकी अलग अलग टेंशन है, उसको हम अलग अलग करके सेट कर सकते हैं। तीसरा, ये इसकी विर्थ है, टोटल जो चौड़ाई है काज की वो हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। अभी 1.7 है, ये दोनों साइड की है। 1.7 को अगर हम डबल कर देंगे तो हमारा ये हमारे लगभग 4 mm के अराउंड में पहुँच जाएगा, तो उस हिसाब से हमें इसको देखना है। ये दोनों चीज़ें हमारी हैं। ये हमारा जो बीच का जो सेंटर होता है जहाँ पे हमारा नाइफ गिरता है, वो नाइफ को सेंटर करने के लिए ताकि हमारे स्टिच न कटे, तो हम यहाँ से उसको कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें हम फंक्शन देखेंगे। अगर कोई प्रोग्राम है, हमें देखना है कि इसमें और प्रोग्राम है, जैसे आई लेट वगैरह वगैरह होते हैं इसमें बहुत सारे फंक्शन, तो उसको हम देखो यहाँ से देखेंगे। इसको दबाएंगे तो यहाँ पे अभी नंबर 4 है, कोई बात नहीं, नंबर 4 को ही हम एंट्री करेंगे, इंटर कर देंगे तो ये सारे ऑप्शन सामने खुल के आ जाएंगे। आपको आई लेट चाहिए तो आप आई लेट ले सकते हो, ऐसा चाहिए ऐसा ले सकते हो, ऐसा चाहिए तो ऐसा ले सकते हो। तो सपोज करो अभी मेरे को ये चाहिए, ये लिया, इसमें भी कौन सी शेप आपको चाहिए तो वो आप डिसाइड कर सकते हो। सपोज मुझे ये चाहिए, मैंने इसको एंटर किया तो ये फंक्शन आपके सामने आ गया। अब इसकी लेंथ विड्थ सब कुछ आप यहाँ से सेट कर सकते हो। इसमें भी अगर आपको यहाँ पे नंबर ऑफ स्टिच कम ज्यादा करने हैं या कुछ और भी कुछ कम ज्यादा करना है तो आप कर सकते हो। तो आप यहाँ पैटर्न दबाओगे तो ये सारे फंक्शन है ये सब ऑन हो जाएंगे, तो ये सब हमारे सामने आ जाएंगे। जैसे S2 है, S03 है, 4 है, ये सारे फंक्शन आ जाएंगे। तो इन सब में दे रखा है एरो का निशान है, उस हिसाब से हम इसको चेक कर सकते हैं। अभी सपोज करो इसकी नंबर ऑफ स्टिच हमें कम ज्यादा करनी है तो हम किस तरीके से कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो यहाँ की मुझे नंबर ऑफ स्टिच कम ज्यादा करनी है तो हम वो कर सकते हैं, इसमें जाएंगे, ये देखो नंबर ऑफ स्टिच ऑफ आईलेट यहाँ पे 3 है, 3 में जितनी आ रही है, जितनी इसको नंबर ऑफ स्टिच हम बढ़ाएंगे तो यहाँ से और ज्यादा बढ़ती जाएंगी, इंटर करेंगे तो सेव हो जाएगा। तो इस तरीके से वो हम कम और ज्यादा कर सकते हैं। अब हम इसे चलाना है तो यहाँ से रेडी करेंगे, हमारी मशीन चल जाएगी। अब हम और आगे का फंक्शन देखते हैं।